जो मैनुअल वेरिएंट है ना, उससे ज्यादा माइलेज कंपनी आपको एएमटी में क्लेम करती है। सिलेरियो के बारे में शिवराज जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये एक तरह से हमारी छोटी स्विफ्ट है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई थी, उस पर एक डिटेल ड्राइव एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। कार को चलाकर देखेंगे क्या कुछ फीचर्स है, आपके साथ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। स्पेशली मारुति की सबसे ज़्यादा माइलेज वाली कार है, जैसा कि मैंने पिछला रिव्यू भी बनाया था, बट चलाकर देखेंगे। और पर्सनली मैं पुरानी सेलेरियो ओन भी करता हूँ, तो क्या डिफरेंसेस मुझे फील होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बेस्ट डील्स के लिए जो भी स्पेशली मध्य प्रदेश से व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप यूनितारा मोटर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको भी स्क्रीन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्पेशली जो कोई इंदौर या देवास से है, नंबर है, आप कॉल करो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो, टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट गाइज, जैसे कि ZXi प्लस वेरिएंट है, तो आपको यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, दो बार प्रेस करेंगे तो कार स्टार्ट हो जाएगी। सो कार स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको रेव करके दिखाता हूँ अंदर नॉइस आ रहा है कि नहीं। बहुत ही रिफाइंड इंजन है। सबसे पहले इसका इनिशियल पिकअप चेक करेंगे, जैसा कि ये 1 लीटर कार है और मारुति की मोस्ट अफोर्डेबल 1 लीटर कार है। अभी मैं हायर RPM पे ले गया। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी, जैसा कि अभी मैंने पिछली डिज़ायर पर एक ड्राइव रिव्यू बनाया था, आपके साथ शेयर करा था, जो कि मतलब बहुत ही मज़ा आया उस कार को चलाने में। इसमें केबिन में बिल्कुल भी नॉइस नहीं आता है, अगर आप 6000-7000 RPM तक भी ले जाते हो। सेलेरियो आपको CNG, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल तीनों वेरियंट्स के साथ मिलती है। तो इस बार जो कंपनी का फोकस था ना स्पेशली, वो था सिर्फ माइलेज। अब माइलेज क्या देती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, पर सबसे पहले इसके इंजन की बात कर लेते हैं। 1 लीटर का K10 सीरीज का इंजन मिलता है, जो कि 65 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर तो पहले जितनी थी उतनी है, बट मेन माइलेज, अब जैसे कि ये मैनुअल वेरिएंट में अभी चला रहा हूँ, ZXi प्लस टॉप वेरिएंट है, तो ये आपको 25 का माइलेज ARAI क्लेम करती है, बट आपको 25, 26, 27 तक भी दे देगी। और मेन इस बार कंपनी का फोकस था इसके AMT गियरबॉक्स पर। जब भी AMT की बात आती है, स्पेशली मारुति के लिए, तो AMT इस चीज़ के लिए निकाला जाता है कि यार सिटी पर्पज़ के लिए चलाया जाए। बट पहले अगर आप देखोगे सेलेरियो या जो भी मारुति की AMT कार्स आती थी, उसका माइलेज इतना अच्छा नहीं रहता था। बट आप गाइस अब बिलीव नहीं करोगे, जो मैनुअल वेरिएंट है ना, उससे ज़्यादा माइलेज कंपनी आपको AMT में क्लेम करती है। 26.68 का माइलेज आपको AMT में इस बार मिलने वाला है। और CNG मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तक इंडिया में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली CNG कार सेलेरियो है। 36 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, तो आप 37-38 आपकी इंडिविजुअल ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब माइलेज अगर आपका एक पहला कंसर्न है, तो आप आग बंद करके इस कार को ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास पुरानी सेलेरियो, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, तो जब ये नई लॉन्च होने वाली थी, बहुत हाइप बनी थी कैसा क्या लुक रहेगा। फिर जैसे ही ये गाड़ी को लॉन्च करा गया, बहुत से लोगों ने बोला कि यार इसका लुक इतना अच्छा नहीं लगा हमें, थोड़ा मतलब बहुत से चेंजेस कर दिए इंटीरियर, पावर विंडो। बट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी मारुति की गाड़ी लॉन्च होती है ना, जैसे ही मारुति का सबसे सेल इंडिया पे पीक पे, तो कौन सी भी गाड़ी आती है जब ज़्यादा सेल होती है, उसके बाद वो गाड़ी अच्छी लगने लगी जाती है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, बट आज आप देखोगे नया मॉडल सेलेरियो इतने दिखते हैं रोड पे, तब ये गाड़ी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगने लग गई, स्पेशली रेड कलर। टोटल 6 कलर चॉइसेस आपको इसमें ऑफर करी जाती है। सस्पेंशन बहुत ही कंफर्टेबल है, फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग मिलते हैं, रियर में टॉर्सन भी मैक्सल विद कॉइल स्प्रिंग, तो कंफर्टेबल सस्पेंशन है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ब्रेक्स की बात करते हैं, तो गाइस काफ़ी बढ़िया ब्रेक है, फ्रंट में डिस्क मिलता है, रियर में ड्रम। और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की भी बात कर लेते हैं, सो मैं इजीली टर्न कर पा रहा हूँ कार को। ये टॉप वेरिएंट है, इसकी अगर प्राइस की बात करूँ, मैनुअल में टॉप वेरिएंट है 6,50,000 रुपीज़ एक्स शोरूम है, ऑन रोड जाता है 7,30,000 रुपये का। तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ये जो कि आपने नेक्सा की कार्स में भी देखा होगा, आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड करा गया है। अब देखो कंपिटिटर्स की बात आती है, सेलेरियो जैसा कि 1 लीटर कार है, बट मैं CC को ध्यान में नहीं रखते हुए प्राइस पॉइंट पे अगर बात करें, तो इसके अगर राइवल्स है, सबसे पहले आती है टाटा टियागो, दूसरी ह्युंडई सेंट्रो। रेनॉल्ट क्विड को तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज रेनॉल्ट कंपनी मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आप उसकी कार लो। तो अब टियागो और इसमें बात करें सेंट्रो में, तो सबसे पहले माइलेज जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरी चीज़ गाइस टाटा का ऐसा है ना, एक तो मेंटेनेंस सर्विस जो है ना उनकी बहुत ही पुअर है, और लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी लेनी है तो आप सभी को मालूम है आग बंद करके मारुति की गाड़ी लेते हैं हर कोई।
तो चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। जैसा कि मैं अभी 80-100 चला रहा हूँ, सेंट्रो भी आपको थोड़े इससे कम प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगी, बट सैलरियों की बात ही अलग है। बिकॉज मेरे पास अराउंड सैलरियों को 7 ईयर्स हो गए, मोर देन 1 लाख किलोमीटर मैंने चला लिए, आज तक कोई भी इशू नहीं आया है, पावर भी सफिशियंट है। बिकॉज एक सिटी पर्पज के लिए कोई कार लेना चाहता है ना, तो 1000 cc मोर देन इनफ हो जाती है। वीकेंड राइड्स आप इससे इजीली जा सकते हो 400-500 किलोमीटर, हालांकि मैं 1000 किलोमीटर भी होकर आया हूँ वन रन में, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इंटीरियर की अगर बात करें तो इस बार सैलरियो का जो इंटीरियर है काफ़ी स्पोर्टी बनाकर रखा गया है। आप देख सकते हो ORVMs का व्यू प्रॉपर है, रियर में मुझे देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। एंड अगर आप IRVM देखोगे तो नॉर्मल डे नाइट फीचर के साथ प्रोवाइड करा गया है। स्टेयरिंग पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कॉल पिकअप एंड एंड, यहाँ पर आपको ब्लू एंड मी का माइक मिलता है। तो मेन चीज़ का इस माइलेज थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मतलब यार CNG में अगर आप सैलरियो लेते हो तो आप कमर्शियल पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो। मेरे साथ अमन सर है जिन्हें आपने पिछली डिज़ायर वाली वीडियो में देखा होगा। सो आपका सैलरियो के बारे में पर्सनल क्या ओपिनियन है? सैलरियो के बारे में सुराज जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक तरह से हमारी छोटी स्विफ्ट है, जो लोग स्विफ्ट अफोर्ड नहीं कर पाते और उसके साथ जिनको माइलेज चाहिए उन लोगों की पहली पसंद सैलरियो होती है। और सैलरियो सर पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी है एक तरह से कहना चाहूँगा मैं, माइलेज इतना अच्छा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी मतलब इससे कोई बेस्ट गाड़ी नहीं है इस सेगमेंट में जो ऐसा माइलेज प्रोवाइड करे। जैसा कि इनने बताया छोटी स्विफ्ट है, वो मैं इस पॉइंट के साथ एग्री करूंगा। बिकॉज सबसे मेन चीज़ है कि यार आप कौन सी कार चलाते हो, पावर तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, मेन चीज़ आती है कंफर्ट। स्विफ्ट और इसमें आपको सेम सस्पेंशन मिलते हैं, सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है, मैकफर्सन और रियर में टॉर्सन बीम जो कि आपको स्विफ्ट में भी प्रोवाइड करे गए हैं, तो वो एक काफ़ी बढ़िया प्लस पॉइंट है। और देखो टॉप एंड तो कोई ले नहीं जाता आपको, आप अगर 1500 cc की भी कार ले रहे हो तो आप 160-150 कोई बहुत कम लोग चलाते हैं। मेन आपको अच्छा माइलेज चाहिए, कंफर्ट चाहिए, और 1800 की स्पीड अगर आप नॉर्मल 50-60 किलोमीटर्स भी जा रहे हो तो अंदर केबिन में बिल्कुल भी नॉइस नहीं आता और पता नहीं लगता कि आप इतनी स्पीड पर चला रहे हो। तो अगर मैं ड्राइविंग की बात करूँ तो जो इसकी हैंडलिंग है वो इम्प्रूव करी गई है, इसमें आपको नॉर्मली स्टेयरिंग मिलता है। स्विफ्ट में हालांकि आपको फ्लैट बॉटम मिल जाएगा, और वैगनार भी एक चॉइस है, बट बहुत से मतलब एक बोलते हैं ना एक फैन बेस बना हुआ है, वैगनार लेने वाले लोग वैगनार लेते हैं। सैलरियो जब 2014 में लॉन्च हुई थी तब से ही उसका भी काफ़ी अच्छा सेल हुआ है, 14 से लेके आज 22 आ गया। रिसेंटली कंपनी ने 2021 में इसका नेक्स्ट जनरेशन निकाला था, तो देख सकते हो फोर्थ गियर पे भी ओवरटेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसका बेस वेरिएंट आपको अराउंड 6,15,000 तक ऑन रोड आ जाएगा, हालांकि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, आपके स्टेट की पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपका 6 लाख से 7-7.5 लाख का बजट है, आप एक पॉकेट फ्रेंडली कार लेना चाहते हो जिसका माइलेज अच्छा हो, लो मेंटेनेंस हो और इन फ्यूचर आपको रीसेलिंग भी अच्छी मिले, आग बन करके आप सैलरियों को ले सकते हो। गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हालांकि आज मैं हेड माउंट लेकर नहीं आया, बट ये भी व्यू कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट में बताना। और चैनल पर कोई भी इस वीडियो के थ्रू आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसी के पास बेल आइकन मिल जाएगा उसको प्रेस कर लेना, जिससे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे।